नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निखत बीटीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। लॉकडाउन में अशियाए जरूरिया फराहमी खिदमात को रोका नहीं जाएगा, डीजीपी तेलंगाना की वजाहत। अहकाम जारी, महेंद्र रेड्डी का ट्वीट। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर अनोखी सजा, पुलिस ने कानून शिकन अफराद को हैदराबाद पब्लिक स्कूल में अमलन नजरबंद कर दिया। एपी सरहद पर कई गाड़ियों को रोक दिया गया, ट्रैफिक जैम। एम्बुलेंस ई पास हामिल व्हीकल को तेलंगाना में दाखिले की इजाजत। रेवंत रेड्डी के हाथों बोलाराम में कोविड हॉस्पिटल का इफ्तिताह। ओंगोल स्टील प्लांट से एपी व तेलंगाना को 1100 टन ऑक्सीजन की सरबराही। तेलंगाना में कोरोना केसेस में कमी का रुझान बदस्तूर बरकरार। रियासत में 2222 नए मामले, 4693 मरीज सेहतियाब। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सो खुशगवार हो और हर खुशगवार सो का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरे टीम को दीजिए इजाज़त। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बीटीएस न्यूज़। जय हिंद।